हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ एक व्रत की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे आप नवरात्र में बना करके खा सकते हो या फिर कोई भी उपवास के दिन आप इसे बना करके खा सकते हो। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो कद्दू लिया है, पम्पकिन, हम लोग इसे कदीमा कहते हैं। तो जितना आप लाल वाला कद्दू ले सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा होगा रेसिपी बनाने के लिए। तो अब जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, जिसमें बीज लगे होते हैं, उसे हमें निकाल करके अलग कर लेना है। उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो ये देखिए, यहाँ पे ऊपर का हिस्सा मैंने निकाल दिया है। अब इसे एक बार वॉश कर लेंगे और छिलका निकाल करके इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे काट लिया है। आप इसे टुकड़ा थोड़ा मोटा भी काट सकते हो या फिर थोड़ा पतला भी, जैसे भी आपको काटना हो, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी पक जाता है, तो आप थोड़ा सा मोटा टुकड़ा भी काट सकते हो। अब यहाँ पे मैंने एक पैन चढ़ाया है और इसमें थोड़ा सा मैं पहले पानी डालूंगी, तो लगभग आधा कप के करीब पानी डालना है इसमें और फ्लेम को मीडियम रखना है। अब हम इसमें कटा हुआ कद्दू डालेंगे। बहुत लोग इसे भोपला भी कहते हैं, तो आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक बार इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे फिर हमें ढक करके मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। तो ये बहुत ही जल्दी पक जाता है, इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 5-6 मिनट के बाद अब हम इसे एक बार चेक करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर पहले से थोड़ा सा ये सीज गया है। एक बार हम इसे और मिला लेते हैं और एक बार ढक करके और 4-5 मिनट के लिए पकाएंगे। इसे हमें बस इतना ही पकाना है जिससे ये सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए, ये अब अच्छे से सीज गया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे हमें ठंडा कर लेना है। तो आप फैन के नीचे रख देंगे तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो ये देखिए, अब यहाँ पर ये ठंडा हो गया है। अब हम एक मिक्सी जार लेंगे और सारे जो कद्दू है उसे हम मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेना है। तो इसमें बिना पानी ऐड किए हुए हमें इसका एक पेस्ट बनाना है। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, इसमें बहुत पानी पहले से ही होता है ये सब्ज़ी में, तो हमें पानी बिल्कुल भी नहीं इसमें डालना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। तो बस मिक्सी जार को एक दो बार चलाओगे तो ये आराम से पेस्ट बन जाएगा। तो अब इसे साइड में रखते हैं और फिर से गैस पर पैन चढ़ाते हैं और इसमें आप 2-3 बड़े चम्मच घी डालना है। घी जब हल्का सा गर्म हो जाएगा, फिर मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट डाला है। आप अपने मनपसंद के अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। और इसे हम आधा से एक मिनट के लिए भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसमें पिसा हुआ कद्दू डालेंगे, जो हमने ग्राइंड किया हुआ है कद्दू, वो हमें डाल देना है। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, तो चलाते हुए इसे हमें पकाना है। अब अच्छे से मिला लेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो धीरे धीरे जो इसमें पानी है वो सूखने लगता है और मिश्रण गाढ़ा होने लगेगा। तो जब हल्का सा गाढ़ा होने लगे, फिर हम इसमें चीनी डालेंगे। कद्दू जो है वो पहले से ही मीठी होती है, तो अगर आप नहीं डालना चाहो तो आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे थोड़े से चीनी डाल रही हूँ, तो 2-3 बड़े चम्मच मैंने चीनी डाला है। आप इसे बिना चीनी के भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने आधा चम्मच फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाला है और 2 बड़े चम्मच हम डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे और इसे अब अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर अब इसे चलाते हुए हम पकाएंगे। तो धीरे धीरे ये कंबाइन होने लगेगा, सूखने लगेगा। तो ये देखिए, ये पहले से ड्राई होने लगा है। तो बिल्कुल जैसे हलवा का कंसिस्टेंसी होता है ना, उसी तरह से हमें इसे बनाना है। तो ये देखिए, अब पैन भी छोड़ने लगा है, तो पैन में ये चिपक नहीं रहा है। तो अब हम गैस का फ्लेम यहाँ पर बंद कर देंगे और इसे हमें हल्का सा ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा घी लगा करके ग्रीस कर लिया है इसे, और अब इसमें मैं ये मिश्रण को डाल दूँगी। आप इसे हलवा के जैसे भी ऐसे ही रख सकते हो, या फिर आप बर्फ़ी बनाना चाहते हो तो कोई भी बर्तन में आप इसे सेट कर दो रख करके, और फिर बर्फ़ी के शेप में काट लो। तो जैसे भी बनाना है आपकी मर्ज़ी है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। बहुत लोगों को कद्दू नहीं पसंद होता है, लेकिन आप इसे ज़रूर बना करके देखना। अब इसे मैं सेट होने के लिए रख दूँगी, तो आप इसे बाहर भी रख सकते हो या फिर आप फ्रिज में भी रख सकते हो। फ्रीजर में मत रखना, फ्रिज में रख देना, तो ये जल्दी से सेट हो जाएगा। देखा जाए तो ये जो है कद्दू का हलवा ही है, बस इसे मैं एक बर्तन में सेट कर दे रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे। तो सारे मिश्रण को हम अच्छे से इसमें भर लेंगे और अब इसे मैं सेट होने के लिए रख दूंगी। 1-2 घंटा इसे सेट होने के लिए मैंने रख दिया था। अब इसे मैं डीमोल्ड कर लूंगी और इसे आप
ऐसे भी खा सकते हो या फिर आप इसे कट कर लो और जैसे आप चाहो वैसे खा सकते हो। और इसके ऊपर अब हम चांदी का वरक लगा देंगे थोड़ा सा और अच्छा दिखने के लिए, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप मत लगाना। और इसके ऊपर से थोड़ा सा हम पिस्ता डाल देंगे, ये भी अच्छा दिखने के लिए, ताकि फ़ोटो अच्छा आए और आप वीडियो को देखें। ये रेसिपी आप नवरात्र में या फिर कोई भी व्रत में ज़रूर बना करके एक बार देखना। व्रत में ही नहीं, आप ऐसे भी मीठा में इसे बना सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मुझे भी नहीं लग रहा था कि ये कैसा बनेगा, मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था खाने में। और बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये हमने कद्दू से बनाया है, क्योंकि हमने इसमें घी डाला है तो बहुत ही अच्छा स्वाद इसका आ रहा था। तो आप ज़रूर ट्राई करना, और अगर आप बनाते हो तो प्लीज़ बताना कि आपको कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, लाइक करना, इसे शेयर कर देना जितने भी लोग फास्ट करते या फिर सबके साथ शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।